गिरी जी, राहुल गांधी जी का भी बयान आ गया, बोलते ऐसा तो हम बीजेपी को करने ही नहीं देंगे कि ओबीसी का आरक्षण आप ओबीसी का आरक्षण आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, हैं? हिमांशु, ये कांग्रेस की निर्लज्जता है। कांग्रेस का कुकृत्य कर्नाटक में किया गया कुकृत्य, जो संविधान सम्मत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था संविधान में जब की ही नहीं है। आंध्र में आपने SC ST का हक बार के 5% मुसलमानों को देने की कोशिश की, उसको 4 बार कोर्ट ने खारिज किया। कर्नाटका में आपने 4% दिया, हमारी सरकार आई, हमने खत्म किया। कर्नाटका में आपने ओबीसी का हक मार करके आज मुसलमानों को Section 2B में लाकर सारा ओबीसी का आरक्षण आप खा गए। कांग्रेस की एक कुत्सित प्रयास समाज को सूली पर चढ़ा कर सत्ता प्राप्त करने का कांग्रेस का घृणित अध्याय इतिहास जब ओबीसी समाज ने SC ST OBC समाज ने देख लिया तब कांग्रेस फेक पर उतर आई। वैसे तो कांग्रेस ही पूरी फेक है। अच्छा। लेकिन उसने फेक पीढ़ियों के सहारे जो फेक फर्जी लड़ाई करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को जो सवाल पापा से पूछना चाहिए वो भाजपा से पूछ रहे हैं। उनके पापा ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के मंडल आयोग का विरोध किया था। उनको अपने देखिए ना, सुनिए, व्यक्तिगत तौर पर हम किसी की टिप्पणी नहीं करेंगे। एक धनंजय जी, नहीं धनंजय जी, अच्छा नहीं लगता आप, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, ये सही है। मंडल आयोग का विरोध किया था और उनके 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो है, 1 घंटे 40 मिनट के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। और काका कालेकर की रिपोर्ट के नेहरू जी ने उनके खिलाफ बोला था। काका कालेकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला। मंडल आयोग की सिफारिश लागू हमारे 85 सांसदों का समर्थन था। कांग्रेस के कुत्सित कारनामे, काले कारनामे जब देश की जनता के सामने आ रहे हैं, कांग्रेस का ये चेहरा जब ओबीसी और SC ST समाज देख रहा है, तो कांग्रेस इसको फेक वीडियो से, फेक तरीके से, फेक नैरेटिव से इसको फसाना बना रहा है। ये बात आपकी सही लगी कि आपने इतनी डिटेल में ये सारी जानकारी रखी है और फिर सही शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया। आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो नाम लिया उसमें आपने सही शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया। अब अजय वर्मा जी, अब ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि ये फेक वीडियो आखिर किसने एडिट किया, कहां से लेकर आए, क्यों इसे सर्कुलेट किया जा रहा है? मंशु दीक्षित जी, जी सर, ये अभी गोडसे के शिष्य, ये आसाराम बाबू के चरण चुंबक करने वाले लोग, ब्रजभूषण को गलबैया देने वाले कुलदीप सेंगर की विचारधारा के लोग सुन रहे थे कि किस तरह से असंवैधानिक और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल इनके ब्लड में है। ये भाजपा के ऊपर से नीचे इनके ब्लड में है और इनको ये ऊपर से विरासत में मिली है। ये एसबीआई का ब्लड है, ये माँ भारती का ब्लड है, किसी भी देश। अरे यार, बीच में मैं आपको बोला नहीं था यार हिमांशु जी, अगर ये बोले तो और गलत बात, सॉरी कहना ही गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, नाथूराम गोडसे धनंजय जी, गिरी साहब एक मिनट सुनिए ना, मैं पॉइंट पर लेके आने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा रुकिए प्लीज धनंजय जी, प्लीज सुनिए ना हिमांशु जी, अगर कोई कह रहा है कि उनका बोला नहीं, हिमांशु जी ऐसे बोलेंगे नहीं, अगर कहीं पर मेरे को लगता है, अगर कहीं पर मेरे को लगता है कोई गलत जा रहा है, मैं तुरंत रोक देता हूं, जैसे मैंने आपको किया, मैं इनको भी रोक दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुद्दे पे आने दीजिए, इनको मुद्दे पे आने दीजिए, थोड़ा सा रुकिए धनंजय जी, प्लीज हिमांशु जी, अगर ब्लड की बात कर रहे हैं तो किसके रक्त में मिलावट है कौन नहीं जानता। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, अब ये इससे ना मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है, मेरे को एक बार इनको वापस टॉपिक पे लाने दीजिए, फिर बात करता हूँ। हाँ अजय जी बोलिए, टॉपिक पर बात करें। हाँ अजय जी बोलिए, इस देश में गांधी को नाथू से बचाना है और उसके लिए लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है, और परिवर्तन के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतों का जो चुनाव सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का चल रहा है, जिसमें देश के महाज्ञानी, देश के सर्वज्ञ, भारत पहली स्टेज पे पहुंच गया है, उसमें भारत जो है अजय जी प्रथम आ गया। अजय जी माफ कीजिएगा, आप इतना टाइम ले चुके हैं, आपने मुद्दे पर अभी तक एक बात नहीं बोली, एक पॉइंट नहीं बोला है। मैंने आपसे जो सवाल किया आप उस पर बोलिए, इससे कहिए इससे बीच में ना बोले। अरे वो नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिस मुद्दे पर डिबेट है उस मुद्दे पर अपनी बात रखिए। ये फेक वीडियो कहाँ से आया, कौन इसे सर्कुलेट कर रहा है? हिमांशु दीक्षित, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे कि यस और नो में जवाब दो तो सेरी मैं पहले बताऊंगा आपको, फिर दूंगा जवाब आपका। टाइम का नहीं तो क्या बताएंगे आप? जिस मुद्दे पर डिबेट है उस मुद्दे पे आप बात करेंगे ना? बताऊंगा ये बताएंगे नहीं, अभी बताइए उस पर। आपने इनसे पूछा ये कौन से मुद्दे पे बात कर रहे हैं? इन्होंने आरक्षण की बात करी, इन्होंने आरक्षण की बात करी और मैं चाहता हूँ आप आरक्षण की बात करें। ये फेक वीडियो कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो सम्मानित होते हैं वो 5 झूठ अभी पकड़े गए, उन्होंने मंगलसूत्र पर झूठ बोला, सोने पर झूठ, फेक वीडियो, आरक्षण, क्या आपको इस टॉपिक, आपको डिबेट का टॉपिक बताया नहीं गया? आप मेरे को ये बताइए। बता रहा हूँ, जब वो तो सरेआम
खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। और ये फेक वीडियो जो मुझे पता चला है भाजपा के आईटी सेल के लोग प्रायोजित कराकर ये खुद ही इस काम को करते हैं। अच्छा, ये गृहमंत्री का वीडियो ये बीजेपी की आईटी सेल ने किया? अरे भाई, इनकी आईटी सेल की सोच नहीं पता आपको? अच्छा, मेरे को ये बताइए तो तेलंगाना कांग्रेस बीजेपी की आईटी सेल का वीडियो क्यों शेयर कर रहा है? अरे भैया सुन तो लीजिए पहले यार, हिमांशु जी आप क्वेश्चन बहुत करते हैं, आप जवाब नहीं देते, इसलिए करना पड़ता है। या तो आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है? मेरे को समझ में आता है, लेकिन ये एजेंडा मत चलाइए। एजेंडा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस वाले भी अगर सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या जवाब दे रहे हैं आप? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। देखिए भाजपा को जवाब दिया जा सकता है? भाजपा को नहीं, आपको जनता को जवाब देना है। जनता सुन रही है, जनता तो सब समझ रही है। क्या समझ रही है? आप लोगों ने वीडियो के बारे में बोला, आपने आरक्षण के बारे में बोला, मुद्दे पर रहिए ना अजय वर्मा जी। देखिए फैक्ट, भाजपा जो है ये फेक वीडियो की जनक बीजेपी की आईटी सेल है पूरा। तो कांग्रेस क्यों शेयर कर रही है? फेक वीडियो की जनक आईटी सेल है, ये इनका ही खेल तो है। कांग्रेस शेयर क्यों कर रही है ये तो बताइए। इन्हीं का एजेंडा है, इन्हीं का पॉलिटिकल विंडेता है। अरे तो इन्हीं का है तो कांग्रेस, क्या कांग्रेस को ये लोग वीडियो बना के देते हैं कि भैया आप शेयर कर दो? अब ये पता नहीं ये फेक है या क्या बोला है, तो भाई अमित शाह जी जाने, आप जाने, वो गृह मंत्री हैं। अभी उन्होंने क्या कहा यूपी में? अरे तो कांग्रेस क्यों शेयर कर रही है? कांग्रेस क्यों शेयर कर रही है? राहुल गांधी क्यों बयान दे रहे हैं इतना हल्का? वीडियो आपको दिखाऊं, पूरा देश जानता है कि यूपी में 80 सीट है, 10 साल से वो गृह मंत्री और मंत्री है भारत सरकार में, और वो कह रहे हैं कि हम 85 सीट जीतेंगे। अरे क्या मुद्दा मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप क्या बोल रहे हैं अजय वर्मा जी? आरक्षण के बारे में, आरक्षण के इस वीडियो को जो फेक वीडियो है इसको शेयर, इस मुद्दे पे आप कुछ बोल पाएंगे? भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार बीजेपी के लोग बौखला रहे हैं। हे प्रभु और कुछ भी कहेंगे, लेकिन चुनाव हार बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर इस वक्त ऐसा धक्का लग रहा होगा ना, उनको लग रहा होगा कि इस मुद्दे पर आप अच्छे तरीके से अपनी बात रखेंगे। एक मुद्दे पर आपने अपनी बात नहीं रखी, इस टॉपिक पर एक आरक्षण का आ तक आपने नहीं बोला। इस पर डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। अरे वाह, डिबेट का मुद्दा ही नहीं है, आप पहले से ही डिसाइड कर लिया करिए कि इस पर आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो फिर आप कराएंगे क्या बात कर रहे हैं आप? दलितों को, फराज किदवई साहब दिलाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस की तरफ से मजबूती से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी जाएगी कि क्यों कांग्रेस के हैंडल से ये शेयर हो रहा है, क्यों राहुल गांधी बयान दे रहे हैं ये आरक्षण को लेकर, क्यों ये फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लेकिन आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप बोलना ही नहीं चाहते हैं। पूछता हूँ पूरब की, बताते हैं पश्चिम की और उत्तर दक्षिण में आप पता नहीं कहाँ घूम जाते हैं। फराज किदवई साहब ये वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, फेक वीडियो जिन्हें कहा जाता है, कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया। अब देखिए ये आपके साथ में भी है, आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या इसकी आज आप लोगों तक भी आ सकती है, कोई इफेक्ट आप पर पड़ सकता है? देखिए हिमांशु जी, ये जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, मैंने इसको बहुत देखा नहीं है, लेकिन आपके चैनल पर अभी मैंने देखा। अब ये फेक है कि सही है ये तो इसकी जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन किसी भी तरह का फेक वीडियो हो हिमांशु जी, चाहे वो आलू से सोना निकालने वाला हो और चाहे माननीय गृह मंत्री जी का हो, उसको फैलाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंटेंट पर है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलितों के, SC ST ओबीसी के खिलाफ रही है, और ये इनके अगर आप हिस्टोरिकल बयान देखिए तो उससे पता चलता है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ महीने पहले क्या बोला था कि इस देश में कास्ट नहीं क्लास सिस्टम उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए महिलाएं, उनके लिए गरीब, उनके लिए किसान, ये मेन जात है, उन्होंने बेसिकली जात से पल्ला झाड़ा था। ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता